निर्भया केस के दोषियों की फांसी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात की। इस दौरान मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये दरिंदे जिन्होंने निर्भया को अपनी हवस का शिकार बनाया था। मुकेश सिंहा, मुकेश एक बस क्लीनर था। जिस रात बस में गैंगरेप की ये घटना हुई थी उस वक्त मुकेश सिंह भी बस में सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा था। मुकेश सिंह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। विनय शर्मा पेशे से फिटनेस ट्रेनर था। जब इसके 5 अन्य साथी निर्भया के साथ गैंगरेप कर रहे थे तब ये बस चला रहा था। अन्य दोषियों के साथ विनय तिहाड़ जेल में कैद है। राम सिंह ने खुदकुशी करने के बाद विनय ने भी जेल के भीतर आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन वो बच गया था। पवन गुप्ता दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। 16 दिसंबर को गैंगरेप के समय वो अपने दोस्तों के साथ उस बस में मौजूद था। पवन गुप्ता भी तिहाड़ जेल में अन्य दोषियों के साथ बंद है। पवन जेल में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। बिहार के रहने वाले अक्षय ठाकुर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर घर से भागकर दिल्ली आ गया था। यहाँ उसकी दोस्ती राम सिंह से हुई थी। राम सिंह के सहारे वो फल बेचने वाले पवन गुप्ता से भी घुल मिल गया था और अक्षय ठाकुर भी तिहाड़ जेल में कैद है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.